गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि हमें धर्म मुझे धर्म पर कभी कभार बहुत शक होता है, जैसे मोक्ष हो असलियत में होता है कि नहीं, पुण्य और पाप होते हैं कि नहीं, और इसके कारण मेरी धर्म की प्रति श्रद्धा कम होने लगी है, तो इसका समाधान कीजिए। बहुत अच्छा, छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। बेटा, ये शक होना बुरा नहीं है। इस तरह के संशय से जो समाधान निकलता है वो जीवन को ऊंचा उठाता है। जहाँ तक मोक्ष और पुण्य पाप का सवाल है, अगर थोड़ी सी दृष्टि अपनी दौड़ाओगे तो सब तुम्हें सत्य प्रतीत होंगे। ये बात सही है कि जिस मोक्ष की बातें हम लोग करते हैं उसका कुछ अता पता नहीं दिखता, क्योंकि आत्मा ही का अता पता नहीं तो मोक्ष का कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें उस मोक्ष का और पुण्य पाप का अनुभव कराना चाहूँगा, अभी अनुभव हो जाएगा। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मुक्ति क्या है? छुटकारा। मुझसे किसी ने एक बार सवाल किया कि आप मुनि क्यों बने महाराज, मुक्ति के लिए बने? कहा, बोले आज तो मुक्ति है नहीं तो मुनि क्यों बने? मैंने कहा, किसने कहा मुक्ति नहीं है? आज मुक्ति है, अभी मुक्ति, इसी वक्त मुक्ति है, अब मैं उसी से मुक्ति पा रहा हूं। महाराज, कैसे? शास्त्रों में तो लिखा है कि पंचम काल में मुक्ति नहीं। बोले लिखा है पर तुमने आधे शास्त्र पढ़े, मैंने जो शास्त्र पढ़ा उसके हिसाब से आज ही मुक्ति है। क्या है? आचार्य जी में पड़ गया, महाराज मुक्ति की बात कर रहे हैं। हमने धुनो सुनो, मुक्ति कई प्रकार की है। एक संसार से मुक्ति है, एक दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति। ये अनुभव में आता है? दोषों से बचा जा सकता है? बोलो, अपने दोषों से बचा जा सकता है? हाँ महाराज जी। जो हमारे फॉल्ट्स है उसको हम दूर कर सकते हैं? हाँ। जो हमारे अंदर की बुराइयां उसको हम दूर कर सकते हैं? हाँ। हमारे अंदर की जो कमजोरियां उसको हम दूर कर सकते हैं? हाँ। और हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं? अपनी सोच बदल ले तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा, मैं इसकी मुक्ति के मार्ग में लगा हूं और आज मेरे दोष रोज दिनों दिन कम हो रहे हैं, मेरे दुर्गुण सब छूट गए हैं, मैं अपनी दुर्बलताओं को दूर कर रहा हूं और मुझे दुख होता ही नहीं, तो ये मुक्ति है ना। और आज मुक्ति का ये कंसेप्ट, हाँ समझो, इस तरह की मुक्ति करते करते आगे मुक्ति होगी। जिस दिन मेरे सारे दोष खत्म हो जाएंगे, जिस दिन मेरी सारी दुर्बलताएं खत्म हो जाएगी, जिस पल मेरे सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, जिस पल मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसी पल मैं पूर्ण मुक्त हो जाऊंगा। समझ गए? हाँ। तो अगर हम 10% कम कर रहे हैं आज, तो कल 100% भी हो सकता है कि नहीं? इसमें कोई शंका है? नहीं महाराज। अब बोलो, मोक्ष होता है कि नहीं होता? होता है। डाउट खत्म? अब पुण्य पाप पे आते हैं। बहुत जल्दी खत्म हो गया, मैंने सोचा कि थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा। सबसे बड़ी सराहना करनी चाहिए इस बच्चे की कि इसने अपना सवाल बेझिझक पूछा है। और एक सलाह मैं देता हूं, बच्चों के सवाल को दबाओ मत, उसका तार्किक उत्तर दो, ऐसा उत्तर दो जिससे उसको समाधान मिले। जिज्ञासा हमेशा उन्नति का आधार बनती है अगर उसे सही दिशा दी जाए तो। अब पुण्य पाप देखो, हम दुनिया में संसार में चलते हैं, हमें सड़क चलते बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जो बड़े दीनहीन हैं, फटेहाल हैं, भिखारी हैं, हाँ, दिव्यांग है, बीमार हैं, अशक्त हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे दिखते हैं जो सब बातों से संपन्न है। दोनों को देखकर क्या सोचने में आता है?
कभी ऐसा सवाल आता है कि मैं ऐसा होता तो मेरा क्या होता, और ये ऐसा क्यों हुआ। जन्म से एक व्यक्ति भिखारी बना और जन्म से एक व्यक्ति करोड़पति के घर पैदा हुआ, ये किसके कारण हुआ बोलो? एक आदमी, बहुत अच्छा, एक आदमी जो बड़ा गरीब है, फटे हाल है, जन्म से भिखारी है, और एक आदमी जिसका शरीर अच्छा, बुद्धि अच्छा, परिवार अच्छा, माँ बाप अच्छे, धन पैसा सब अच्छी, दोनों में डिफरेंस किसके कारण हुआ? डिफरेंस तो है। क्यों है महाराज जी? क्योंकि आजकल की दुनिया ये समझती है कि धनी सब कुछ है, जो अमीर है वही कुछ भी कर सकता है, गरीब है वो कुछ नहीं कर सकता। ये तो बात का सवाल है, पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम आज स्वस्थ हो, तुम्हारे सारे शरीर के अंगोपांग बिल्कुल सही है, सारे ऑर्गन सही है, तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, तुम एक बड़े रिच फैमिली में उत्पन्न हुए हो, ऐसे संस्कार वाले परिवार में उत्पन्न हुए, और तुमने कई ऐसे भी परिवार को देखा होगा जिसमें कोई बीमार है, जन्मजात बीमार है, रोज लड़ाइयाँ होती है, आपस में खींचातानी मस्ती है, देखा? कभी सोचा कि आज मेरे को ये फैसिलिटीज मिली है और अगले को नहीं मिली, ये क्यों हुआ? पाप के कारण। आ गया समझ में? अब पुण्य पाप होता है कि नहीं होता? होता है। चलिए।